तुझे पता था मन्नू? क्यों नहीं बताया मुझे? मम्मी, मैं आपको बताने वाला था, उसको बाद में पता चला। बाद में पता चला या अभी पता चला, उससे फर्क नहीं पड़ता। तूने मुझे नहीं बताया, उससे फर्क पड़ता है। आज अगर ये लड़का हरजीत को मिल जाता तो इस पिंड में खून की नदियां बहती। तेरे पापा जी ने इस गांव में अमन लाने के लिए अपनी जान दे दी, मर गए वो, उसका क्या होगा? क्या होगा उसका मन्नू? पूरे पिंड से लड़ाई की, पंचायत गई, बेबे से भी लड़ाई की। इसी ने स्कूल भेजा था, इसीलिए मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, नाम रोशन करेगी, अपने पापा का सपना पूरा करेगी। ये कहा था ना मैंने? क्या किया तूने? अब जो हो रहा था वो तो हो गया, अब इसके बाप को तो बताना ही पड़ेगा ना कि ये यहाँ पर है। उसको फोन लगा के कहती हूँ कि लेके जाए अपनी औलाद को यहाँ से। मम्मी, सिमरन दीदी और रमन वीर जी तुझे शादी करना चाहते हैं। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। आई लाइक इट। जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अभी मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर,
मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।